brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट की खूब चर्चा हो रही है। वजह है कि सीट पर ननंद और भाभी के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ सुप्रिया सूले हैं चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ एनडीए के समर्थन से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ रही है। ये पहली बार है जब पवार फैमिली के दो सदस्य आमने सामने हैं। लेकिन 7 मई को जैसे ही इस सीट के लिए मतदान हुआ, एक चौंकाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सामने ईवीएम है और एक महिला हाथ में थाल लिए पूजा कर रही है। दरअसल ये आम महिला नहीं है, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर है। इन्होंने पूजा तो की है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूजा की खबर भी शेयर कर दी। फिर क्या था, ये तस्वीर लोगों की नजर में चढ़ गई और सवाल उठने लगे। सोहित मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अब नेता लोग वोट करने से पहले मतदान कक्ष की पूजा कर रहे हैं, क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? मोदी का परिवार बन चुके चुनाव आयोग, क्या कोई कार्रवाई करेगा? दुनिया में चुनाव आयोग की निष्पक्षता का डंका बजना चाहिए। रश्मि पुराणिक नाम की एक्स यूजर ने भी रूपाली चाकणकर के पोस्ट को शेयर किया था। तस्वीर वायरल हुई तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठने लगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि रूपाली अजीत पवार की एनसीपी से संबंध रखती है। अब विवाद बढ़ा तो कार्रवाई भी हुई। फिलहाल रूपाली और 7 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुणे सिटी पुलिस के अधिकारी के मुताबिक एनसीपी लीडर रूपाली के खिलाफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का केस दर्ज किया गया है। शिकायत निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी की तरफ से दर्ज कराई गई थी। रूपाली के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ईवीएम की आरती वाली तस्वीर भी डिलीट कर दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर वोटिंग हुई। रात 8 बजे तक के रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 55.54% वोटिंग हुई, जो कि इस चरण में बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है।